शिवम स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शिवम ट्यूटोरियल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंजीनियरिंग का जो बैकलॉग होता है उसके बारे में। दोस्तों हम देखेंगे कि पेपर बैग क्या होता है, एयर बैग क्या होता है, और दोस्तों ये वीडियो बिहार के जो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट हैं जिनका भी यूनिवर्सिटी आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी है उनके लिए इंपॉर्टेंट है। उनको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो वो वीडियो को इस देख सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बैकलॉग क्या होता है, पेपर बैग क्या होता है, कैसे और कब लगता है, उसके बाद एयर बैग के बारे में समझेंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि मिनिमम सीजीपीए रूल या फिर एसजीपीए रूल क्या होता है, उसके बाद बैकलॉग कौन कौन सा हो सकता है, बैकलॉग कैसे क्लियर होगा, उसके बाद बैकलॉग्स का जो फाइनल रिजल्ट पे क्या इफेक्ट होता है, इन सारी बातों का यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे। दोस्तों इससे पहले पेपर बैग पे मैं एक वीडियो इस तरह का बनाया था, बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा। स्टूडेंट होंगे यानी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट होंगे, उनको एग्जाम पैटर्न के बारे में जानकारी नहीं होगा, तो हम थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न को देख लेते हैं। आपको बता दें एग्जाम पैटर्न में आपका एक थ्योरी एग्जाम होता है और एक है प्रैक्टिकल वाइवा होता है। थ्योरी एग्जाम में आपका 30 नंबर का इंटरनल इवेल्युएशन होता है, यानी कि वो कॉलेज है वो करके देती है। इसमें 5 नंबर आपका अटेंडेंस का होता है और 5 नंबर है वो असाइनमेंट और क्लास टेस्ट का होता है। उसके बाद में 20 नंबर का आपका एक मिड सेम का एग्जाम होता है, वो कॉलेज में ही होता है। तो इस तरह से टोटल 30 नंबर का इंटरनल इवेल्युएशन होता है और इंड सेमेस्टर का एग्जाम है वो 70 नंबर का होता है, यानी 70 मार्क्स का आपका इंटरनल एक्सटर्नल एग्जाम होता है और 30 मार्क्स का आपका इंटरनल इवेल्युएशन होता है। तो टोटल 100 मार्क्स का ये थ्योरी पेपर होता है और प्रैक्टिकल इसमें आपका इंटरनल इवेल्युएशन है वो 20 मार्क्स का होता है, जिसमें अटेंडेंस पे 5 नंबर मिलते हैं और 5 नंबर आपका क्लास परफॉर्मेंस पे मिलता है। 10 नंबर का इंटरनल वाइवा होता है और दोस्तों 30 नंबर का होता है वो रिटन पेपर होता है, प्रैक्टिकल का यानी कि जो लैब एक्सपेरिमेंट है वो सारे लिखने होते हैं। तो इस तरह से आपका 50 नंबर का मार्किंग यहाँ पे किया जाता है। आपको बता दें कि ये एग्जाम पैटर्न है और इसमें आपका जो थ्योरी एग्जाम होता है उसमें 25 नंबर लाने होते हैं, यानी 70 में 25 नंबर लाने होते हैं पर पेपर में आपको एग्जाम को पास करने के लिए। तो हम पेपर बैक या फिर जिसको हम लोग बैकलॉग बोलते हैं उसके बारे में समझते हैं। तो बैकलॉग आप इंजीनियरिंग का कोई भी सेमेस्टर में एग्जाम दिए, उस सेमेस्टर का एग्जाम में किसी पेपर में आप फेल हो गए तो वो आपका बैकलॉग हो गया, यानी कि पेपर बैक हो गया। दोस्तों उस पेपर बैक यानी जिस सब्जेक्ट में आप फेल हुए हैं उसे आगे के सेमेस्टर में आपको क्लियर करके देना होगा, तब आपका बैकलॉग है वो क्लियर हो जाएगा। दोस्तों बैकलॉग के लिए आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ये आपके आगे के सेमेस्टर में क्लियर हो जाता है। बहुत सारे लोग हैं जो डिप्रेशन में आकर के सुसाइड कर लेते हैं, तो ये सब अच्छी बात नहीं है, आपको इस बात को समझना चाहिए। एयर बैग के बारे में बात करें तो एयर बैग का मतलब है कि आपको अपने वर्तमान सेशन से एक साल पीछे कर देना, यानी कि आप अभी सेकेंड ईयर में हो और आपको एयर बैग मिल गया तो आप फिर से फर्स्ट ईयर में चल जाओगे, तो ये एक एयर बैग होता है। दोस्तों पहले 2018 तक होता था कि अगर आपका सेमेस्टर का सीजीपीए है वो 5 से कम हो जा रहा था तो वहाँ पे एयर बैग दे करके एक साल पीछे कर दे रहा था, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई प्रोसेस नहीं है। आपका अगर सीजीपीए गड़बड़ाएगा तो आपको डायरेक्ट से कॉलेज से छुट्टी हो जाएगी। तो उस प्रोसेस को हम समझते हैं कि आपको कितना सीजीपीए लाना होगा ताकि आपको कॉलेज से छुट्टी ना हो। आपको बता दें कि एयर बैग में एक और जो दिक्कत है वो आपका कॉलेज डिसमिस कर देता है। कई लोग होते हैं वो लड़ाई झगड़ा हुआ या फिर जो भी वो रैगिंग वगैरह की वजह से उनको कॉलेज है वो रिस्ट्रिकेट कर देता है, और उस कंडीशन में उनको अगर एक साल के लिए रिस्ट्रिकेट कर दिया तो फिर उनको एयर बैग लग जाता है। तो एयर बैग फिलहाल बिहार के जो भी स्टूडेंट हैं उनको इसके बारे में नहीं सोचना है। उनको अगर दो ही कंडीशन में सोचना है कि अगर वो एग्जाम नहीं दे रहे हैं दोनों सेमेस्टर का तो उनको मिल सकता है, या फिर वो लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व हैं तो उनको कॉलेज अपना रिस्ट्रिकेट करके एयरबैग दे सकती है। और अगर आप सेमेस्टर के सारे एग्जाम दे रहे हैं तो फिर आपको एयरबैग नहीं लगेगा। दोस्तों हम मिनिमम सीजीपीए रूल को समझते हैं। तो मिनिमम सीजीपीए रूल में आपका जो फर्स्ट ईयर का दो सेमेस्टर है यानी फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर दोनों का सीजीपीए का टोटल है वो 10 या उससे ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दिया उसका जो सीजीपीए है और सेकेंड का सीजीपीए है दोनों को ऐड करके आपका 10 या उससे ज़्यादा होना चाहिए। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं और लगातार दो सेमेस्टर में आपका सीजीपीए है वो 5 से कम हो जाता है तो आपको कॉलेज छोड़ना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब आप फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दिए, सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम दिए, दोनों सेमेस्टर में आपका सीजीपीए है वो 5 से कम हो जा रहा है तो दोस्तों यूनिवर्सिटी है वो आपको हटा देगी, आपको कॉलेज में पढ़ाई करने का मौका नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट ईयर के जो भी स्टूडेंट हैं
वो इस बात का ध्यान रखे कि उनका सीजीपीए है वो 5 से कम तो फर्स्ट ईयर में ना गिरे। अगर आगे आपको ऐसा होगा तो बस आपका बैकलॉग रहेगा, वो आप क्लियर कर लोगे, सीजीपीए फिर से मेंटेन हो जाएगा। लेकिन आपका फर्स्ट ईयर में इस तरह का काम हो जाता है तो फिर आपको कॉलेज से रिस्ट्रिकेट कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि पहले फर्स्ट ईयर में लगातार 2 सेमेस्टर में सीजीपीए है वो 5 से कम रहता था तो एयर बैग लगता था, लेकिन अब कॉलेज छोड़ना पड़ता है। दोस्तों यही बात है कि 2019 तक यानी 2018 का जो सेशन था उसमें जो स्टूडेंट थे उनको अगर 5 सीजीपीए से कम आया था लगातार 2 सेमेस्टर में तो उनको एयर बैग दे दिया गया था। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो एयर बैग हैं और वो 19 बैच के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन अब किसी को एयर बैग नहीं लगता है। अगर उनका सीजीपीए 5 से कम होगा 2 सेमेस्टर में, फर्स्ट ईयर के दोनों सेमेस्टर में, तो उनको कॉलेज छोड़ना पड़ेगा। दोस्तों अब जो भी बातें थी एयर बैग का, तो एयर बैग और जो कॉलेज छोड़ने की बात है वो बस फर्स्ट ईयर तक ही लागू होता है। अगर आपका फर्स्ट ईयर क्लियर हो गया है तो आपको इन सारी बातों को नहीं सोचना चाहिए। आपको जो भी बैकलॉग हैं, सीजीपीए कितना भी कम हो, बैकलॉग आगे क्लियर करते रहना है, फिर आपको डिग्री है वो दोस्तों मिल जो जाएगी। रेगुलेशन है 2012 तक का यूनिवर्सिटी का, उसमें आप देख सकते हैं, उसमें लिखा है कि अगर किसी स्टूडेंट का सीजीपीए है वो 2nd सेमेस्टर में लेस देन 5 यानी 5 से कम है तो उस स्टूडेंट को 3rd सेमेस्टर में रजिस्टर करने का मौका नहीं दिया जाएगा और उसको फ्रेशर के जैसा ट्रीट किया जाएगा, नेक्स्ट बैच के स्टूडेंट के जैसा। और उसको डिग्री कंप्लीट करने के लिए मैक्सिमम 5-7 साल ही मिल सकता है। तो दोस्तों ये रेगुलेशन पहले का था, फिलहाल ऐसी कोई रेगुलेशन नहीं है यूनिवर्सिटी का। उसमें आप ये भी देखते होंगे जो अगर 4th सेमेस्टर का स्टूडेंट है या 5th में है, 6th में है, 7th 8th में है तो उसको सीजीपीए है वो 5 से कम नहीं होना चाहिए। अगर वो 4th में है तो उसका 3rd का सीजीपीए है वो 5 से कम नहीं होना चाहिए। अगर कम होगा तो उसको 4th में रजिस्टर करने का मौका नहीं मिलेगा। जो तो जो 5th सेमेस्टर का स्टूडेंट है उनको 4th में 5 से कम सीजीपीए नहीं होना चाहिए। जो 6th सेमेस्टर का स्टूडेंट है उसका 5 का सीजीपीए 5 से कम नहीं होना चाहिए। जो 7th सेमेस्टर का स्टूडेंट है उसका 6th सेमेस्टर का सीजीपीए 5 से कम नहीं होना चाहिए। जो 8th सेमेस्टर का स्टूडेंट है उसका 7th सेमेस्टर का सीजीपीए है वो 5 से कम नहीं होना चाहिए। तो ये सारे रेगुलेशन हैं जो 2012 से पहले फॉलो किया जा रहा था, लेकिन फिलहाल इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। मैं बस ऐसे ही दिखा दिया कि पहले क्या होता था और अब का क्या कंडीशन है। पॉइंट इसके एट बाद में आप है देख सकते हैं इफ ए स्टूडेंट स्कोर सीजीपीए बिलो 6 इन 2 कंजेक्यूटिव फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम ही हैज टू लीव द इंस्टीट्यूट। यानी कहने का मतलब है कि फर्स्ट ईयर के 2 एग्जाम हुए फर्स्ट सेमेस्टर और 2nd सेमेस्टर, उसमें उसका एसजीपीए है वो 6 से कम होता है तो उसे कॉलेज से छोड़ना पड़े कॉलेज छोड़ना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों ये पहले का रेगुलेशन था, यूनिवर्सिटी इसमें संशोधन किया है और वो नोटिफिकेशन मैं आपको दिखाता दोस्तों हूँ। ये नोटिफिकेशन आपको दिख रहा है तो यहाँ पे है है इफ ए स्टूडेंट एसजीपीए बिलो 5 इन 2 कंजेक्यूटिव फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन ही हैज टू लीव द इंस्टीट्यूट शुड बी अपडेटेड एज इफ ए स्टूडेंट स्कोर सीजीपीए बिलो 5 इन 2 कंजेक्यूटिव फर्स्ट ईयर एग्जाम ही और सी हैज टू लीव द इंस्टीट्यूट। कहने का मतलब है कि पहले जो यूनिवर्सिटी का रेगुलेशन था उसमें लिखा गया था कि 5 एसजीपीए से कम आने वाले स्टूडेंट को, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को हटा दिया जाएगा कॉलेज से, लेकिन बाद में इसे संशोधन करके लिख दिया है कि फर्स्ट ईयर के 2 एग्जाम में अगर लगातार उसका सीजीपीए 5 से कम हो जाता है तो उसे कॉलेज से निकाल दिया जाएगा यानी कॉलेज छोड़ना पड़ेगा। तो इस तरह का संशोधन है वो किया गया है, आप देख सकते हैं ये नवंबर 2019 का नोटिफिकेशन है आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के बारे में। बात करें तो बैकलॉग कौन कौन सा हो सकता है, तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि बैकलॉग आपका कोर पेपर का ही हो, जिसका थ्योरी पेपर एक्सटर्नल एग्जाम होता है उसी का ही हो। बैकलॉग आपका इंटर्नशिप का भी हो सकता है, आपने इंटर्नशिप नहीं किया या फिर आपने इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट कॉलेज में जमा नहीं किया तो इंटर्नशिप का भी बैकलॉग मिल जाता है। उसके बाद में जो एक सबसे ज़्यादा लोग इग्नोर करते हैं एनपीटीईएल को, दोस्तों एनपीटीईएल का कोर्स है वो आपके सिलेबस में जिस भी सेमेस्टर में करना है वो आपको करके देना होगा। आप इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं तो फिर आपको यहाँ पे भी बैकलॉग मिलेगा। उसके बाद में एक और जो चीज़ है वो प्रोजेक्ट का है, लास्ट ईयर के स्टूडेंट को प्रोजेक्ट जमा करना होता है, वो अगर प्रोजेक्ट नहीं करके देंगे तो उस पेपर में उनका बैकलॉग रहेगा और इसके चलते आपको सर्टिफिकेट रुक सकता है। तो इन सारे चीज़ों को आपको सीरियसली लेना है, ऐसा नहीं है कि मजाक मजाक में लिए और हम एनपीटीईएल का कोई कोर्स नहीं किए या फिर प्रोजेक्ट जमा नहीं किए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको सारे चीज़ हैं वो करके देने हैं। और जो टॉपिक है वो बैकलॉग कैसे क्लियर होगा, तो बैकलॉग क्लियर करने के लिए आपको उस सेमेस्टर का एग्जाम है, उस पेपर का एग्जाम है वो फिर से देना होगा। जैसे कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम के किसी पेपर में बैकलॉग लग गया है यानी किसी एक सब्जेक्ट में आप फेल हो गए हो तो आपको आगे जब भी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होगा उसमें आपको देना होगा जिस भी पेपर में आप फेल थे उस पेपर का एग्जाम फॉर्म आपको भरना होगा, उसके बाद उस पेपर का एग्जाम देना होगा। तो
तो जा करके ये बैकलॉग है वो क्लियर हो जाएगा। ऐसा हर एक सेमेस्टर में होता है, फर्स्ट में लगा तो फर्स्ट के साथ, सेकंड में लगा तो सेकंड सेमेस्टर का जब भी एग्जाम होगा उसके साथ देना होगा, थर्ड का कोई बैकलॉग है तो थर्ड सेमेस्टर वालों के साथ देना होगा। तो इस तरह से प्रोसेस है वो चलते रहता है। अगर आप 8th सेमेस्टर में चल गए, आपका कोई बैकलॉग नहीं क्लियर हुआ, या फिर 7th में हो कोई बैकलॉग क्लियर नहीं हुआ, उस समय आपका तबीयत खराब था, तो उस कंडीशन में आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी है वो एक स्पेशल एग्जाम लेता है, उस स्पेशल एग्जाम में भी आप बैकलॉग क्लियर कर सकते हैं। और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है बैकलॉग का फाइनल रिजल्ट पे क्या इफेक्ट होता है। दोस्तों बहुत सारे लोग इस टॉपिक को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, उनको बैकलॉग मिल गया है तो उनके रिजल्ट पे शो करेगा या फिर डिग्री पे शो करेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिना बैकलॉग क्लियर किए हुए आपको डिग्री मिलेगा ही नहीं। आप जब तक बैकलॉग क्लियर नहीं करोगे आपको ना तो डिग्री मिलेगा ना ही आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, तो आपको बैकलॉग क्लियर कर देना है। बैकलॉग जब क्लियर हो जाएगा तो वो रिजल्ट है वो अपडेट हो जाता है फाइनल, और उसमें कहीं कुछ शो नहीं करता है। भले आप 8th सेमेस्टर में हो, कहीं आप प्लेसमेंट के लिए अप्लाई किए, तो वहाँ पे होता है क्या कि बहुत सारे कंपनियाँ हैं वो एक बैकलॉग है वो अलाउ करती है, जिसका एक बैकलॉग है वो पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन एक से ज़्यादा हो जाता है तो वो कहते हैं कि नहीं हम इसे नहीं लेंगे, तो वहाँ पे थोड़ी दिक्कत होती है। लेकिन आपका फाइनल रिजल्ट पे कहीं कुछ नहीं रहेगा, बस ये इफेक्ट रहता है तो वो आपका ग्रेड कार्ड है उस पर लिखा हुआ रहेगा, वो अपडेट नहीं होता है। तो लेकिन जब आपका रिजल्ट मिल जाएगा, फाइनल सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उसके बाद डिग्री मिल जाएगी, तो फिर ग्रेड कार्ड का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है वो रह नहीं जाता है, तो आपको फालतू में बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और आई होप कि आपके सारे कंफ्यूजन हैं वो क्लियर हो गए होंगे, और किसी भी तरह का कोई डाउट रहे तो आप जरूर कमेंट करें। थैंक यू।